हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनाली अग्रवाल और मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा जो आज का वीडियो है, इसमें मैं कुछ आपको स्टाइल टिप्स बताऊंगी जो कि टॉल वीमेन के लिए हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और यदि आप चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फैशन ब्लॉगर के नाम से फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय फर्स्ट स्टेप इज़ वेयर ब्यूटीफुल शूज़। जो लोग लंबे होते हैं, जब वो कहीं जाते हैं तो लोगों की निगाहें सीधे उनके पैरों की तरफ जाती हैं कि कहीं उन्होंने हील्स तो नहीं पहनी हुई हैं जिसकी वजह से वो लंबे लग रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हील्स पहनना प्रेफर करते हैं या फ्लैट्स पहनना प्रेफर करते हैं या फिर एथलेटिक शूज़। आप जो भी शूज़ पहने, आप जो भी शूज़ अपने लिए चूज़ करें, वो ऐसे हों कि देखने वाले देखते रह जाएं और लोगों की निगाहें सिर्फ उन्हीं पर टिकी रहें। माय सेकंड टिप इज़ डोंट फियर हील्स। हील्स पहनने से कॉन्फिडेंस आता है और ये आपके किसी भी आउटफिट में एक स्टेटस ऐड करती है। और यदि फॉर्मर प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर लीजा लेस्ली, जिसकी हाइट 6.5 है, वो हील्स पहन सकती है तो आप क्यों नहीं। माय थर्ड टिप इज़ एम्ब्रेस ओवरसाइज्ड एसेसरीज। अपनी वार्डरोब में कुछ ओवरसाइज्ड एसेसरीज का कलेक्शन भी रखिए, जैसे कि लार्ज बैग्स और कूल बैंगल्स और ब्रेसलेट्स। अपनी वार्डरोब में बड़े बड़े टोट बैग्स, स्टेटमेंट नेकलेस, शैंडलियर ईयरिंग्स और बेल्ट्स का भी कलेक्शन रखिए, जिससे कि आपके फेवरेट फीचर्स का पता चले, ना कि सिर्फ आपकी लंबाई का। माय फोर्थ टिप इज़ शो सम स्किन। जो लोग लंबे होते हैं उनकी बॉडी पर बहुत सारी स्किन होती है, तो क्यों ना इसका कुछ एडवांटेज लिया जाए। तो मेरी बेस्ट एडवाइस है, फोकस ऑन शोइंग ऑफ वन एरिया एट अ टाइम। जैसे कि यदि आप बैकलेस टॉप पहनती हैं तो उसके साथ वाइड लेग ट्राउजर्स या स्किनी जीन्स पेयर करें। माय फिफ्थ टिप इज़ हाईलाइट योर नेक। यदि आप नाइट आउट पर जा रही हैं तो कुछ ऐसा पहनें जिससे कि आपकी लॉन्ग नेक हाईलाइट हो। अपने लिए इंटरेस्टिंग नेकलेस चूज़ कीजिए। अपने गले में नेकलेस और बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनिए जो आँखों को अट्रैक्ट करें। आजकल चोकर बहुत चल रहे हैं, आप वो पहन सकती हैं और टेसल ईयरिंग्स या फिर पेंडेंट नेकलेस भी पहन सकती हैं। नाउ माय सिक्स्थ टिप इज़ पेयर नैरो विद वाइड। यदि आप वाइड लेग पैंट्स और ब्रॉड शोल्डर जैकेट्स पहनने में शाय फील करती हैं, क्योंकि इस तरह के लड़कों वाले कपड़े पहनकर आप पूरी तरह से ऐसे लगेंगे जैसे आपके बड़े बड़े मसल्स हों, तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जब एक रनवे मॉडल इस तरह के कपड़े पहन सकती है तो आप क्यों नहीं। इस चीज़ को अवॉइड कीजिए कि आप उसमें बड़ी लगेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि एक बार में सिर्फ एक ही ओवरसाइज आइटम पहने। जैसे कि यदि आपने वाइट लेग पैंट्स पहने हैं तो उसके साथ टाइट टॉप पहने, और यदि ओवरसाइज जैकेट पहनी है तो उसके साथ स्किनी जीन्स पहने। माई सेवेंथ टिप इज थिंक ब्राइट। हम रोज़ अपने पहनावे में कुछ ना कुछ कलर्स ऐड करना पसंद करते हैं। कलर एड्स इंटरेस्ट टू एन आउटफिट एंड अ वुमन वेयरिंग कलर एक्स्यूड्स कॉन्फिडेंस। आपको ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी कोई भी फेवरेट वाइट टी शर्ट के साथ टर्कुइज नेकलेस पहने या फिर ब्लैक ड्रेस के साथ कलरफुल पम्प्स पहने। कलर्स से लोगों का अटेंशन आपके फेवरेट एसेट्स की तरफ जाता है, इसलिए यदि आपको आपकी नैरो वेस्ट से प्यार है तो आप कोई भी एम्बेलिश्ड बेल्ट पहन सकती हैं। नाउ माय एट्थ टिप इज़ बी अ मिनिमलिस्ट। अब तक मैंने जो भी टिप्स दी हैं उन्हें एक एक करके ही अपने रूटीन में लाएं, एक साथ नहीं, एक साथ बहुत सारी एसेसरीज पहनने से बचें और एक ही आउटफिट में बहुत सारे ट्रेंड ना फॉलो करें।
यदि आप अपनी हाइट को एसेसरीज की तरह लेते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक या दो सिंपल पीसेस से ही आपका पूरा लुक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ माय नाइन्थ टिप इज प्ले विथ योर हेयर। अपने हेयर के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें, नए नए लुक्स ट्राई करें, नए नए हेयर स्टाइल बनाएं। माय टेंथ टिप इज बी अ ड्रामा क्वीन व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी। टॉल विमेन जो होती हैं वो अक्सर ट्रेंडी मेकअप अप्लाई करने से बचती हैं। वो मतलब ट्रेंडी मेकअप अप्लाई करने में सेल्फ कॉन्शियस फील करती हैं। उन्हें ये लगता है कि इससे उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन मिलेगा। आप रोज़ नहीं लेकिन ओकेजनली ड्रामेटिक आईलाइनर और ब्राइट रेड लिपस्टिक यूज़ कर सकती हैं। और जब आप किसी गेट टुगेदर में जाएं तो ग्लिटर वाले आई शेडो यूज़ करें और हर महीने कुछ ना कुछ नया ट्राई करने के लिए खुद को चैलेंज करें। तो ये थी मेरी कुछ स्टाइलिंग टिप्स टॉल विमेन के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी टिप्स यूज़फुल लगेंगी। धन्यवाद।